आप सभी को मेरा नमस्कार और पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम के 4 बजे हैं, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। देखिए पैकिंग हो रही है हमारी, जाने की तैयारी हो रही है और बैग पैक किया जा रहा है और कल को फिर सुबह जल्दी गाड़ी वाले का फ़ोन आ जाता है पांडे जी का, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। फटाफट से अभी पैकिंग कर लेते हैं, सुबह जल्दी से जाना है। अभी शाम का मौसम दिखा रही हूँ आपको, धूप जाने वाली है, थोड़ी सी बची है, उधर पार चली गई है धूप। आजकल अब दिन भी थोड़े से छोटे होने लग गए हैं, तलोर धूप चली गई है, अब ठंडा जैसा होने लग गया है। देखिए हमको कल को जाना है तो यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि बंदर टैंकी का ढक्कन खोल के पूरा पानी गंदा कर देते हैं, इसलिए पहाड़ी स्टाइल में यहाँ बंदरों की, बंदर नहीं खोलेंगे ढक्कन करके, बंदरों की व्यवस्था की जा रही है। ये बांध रहे हैं रस्सी से, बंदरों का इलाज हो रहा है यहाँ पर। लगे हैं मिश्रा जी ये टैंकी को बांधने में, पहाड़ी जुगाड़ बना रहे हैं। देखिए बांध रहे हैं टैंकी को चारों तरफ से, जो कि बंदर ढक्कन नहीं खोल पाए। हाँ ढक्कन खोल के उसके अंदर ही घुस जाते हैं, नहा लेते हैं उसके अंदर, हमारे आने तक तो पूरा पानी गंदा कर देंगे वो। देखो ये देखो कसी बातनी टाइट कभी बिल्कुल, जो कि बांधर नहीं खोल सको यहाँ। चारों तरफ फंसा के बिल्कुल ढक्कन के ऊपर से टाइट करके लगा रहे हैं, जो कि बंदर नहीं खोल पाएंगे। बात यह है टाइट करके अब बंदर इसे नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पूरी ढक्कन की मरम्मत हो चुकी है, यहाँ से भी यहाँ से भी पूरी तरह से ढक्कन उड़ चुका है, हो गया है। अब यहाँ पर बांध देंगे इसको। देखिए ये पहाड़ी स्टाइल है, कनिस्टर में लगा रखा है फूल का पेड़, और देखो कनिस्टर में लगाया था फूल का पेड़ और कितना बड़ा हो चुका है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल फूल खिले हैं, बहुत ही लंबा हो गया है। इस तरफ से जाके दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए पूरा कनिस्टर है नीचे से, कनिस्टर से आया है ये फूल, लगाया है कनिस्टर में मैंने, इतना बढ़िया लग रहा है अभी। अभी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, पर जब हम कल को चले जाएंगे तो हमारे जाने के बाद देखो बंदरों का आतंक और लंगूरों का आतंक कैसा होता है यहाँ पर। आने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको, ये गमले दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, और फिर आने के बाद भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसी दशा हुई है इनके करके। यहाँ पर बंदरों का ही आतंक है ज़्यादा, लंगूर भी आते हैं, बंदर भी आते हैं। नमस्कार, आज सुबह का, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और क्योंकि मुझे जाना है आज मायके, और मैं फटाफट उठ के मैंने पूजा भी कर ली, नहा धो के, और मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी से नाश्ता करके फिर गाड़ी
वालों का फोन आ जाएगा, दिखाऊंगी मैं आपको रास्ते में। देखिए अभी सुबह सुबह 6 बजे का मौसम दिखाती हूँ आपको, अभी धूप भी नहीं आई है, थोड़ी सा वहाँ से आ रही है धूप उस तरफ से। मौसम बिल्कुल इस तरह बना हुआ है, नाश्ते में क्या बना रखा है मैंने, ये काली चाय पीते हैं हम सुबह, और रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा परौठा जैसा बना दिया मैंने। अब मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको रास्ते में, बने रही मेरे ब्लॉग में। जय हो भगवान जी, रक्षा करना सबकी। अब तैयार हो चुके हैं हम बागेश्वर के लिए, जा रहे हैं घर से। बैठ गई हूँ मैं गाड़ी में और अभी तक कोई पैसेंजर नहीं आए हैं, बाकी का मैं आपको बागेश्वर पहुँच के दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही बनाते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।